बीएड अभ्यर्थी हूँ, आप भी बीएड अभ्यर्थी, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि हमें नारे सिर्फ और सिर्फ बीएड डिग्री धारकों के हक के लिए लगाने हैं, क्योंकि रीजन समझिए, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के दबाव से केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है, क्योंकि 13 लाख बीएड डिग्री धारक उत्तर प्रदेश में। तो कल पहला चरण हम लोगों ने पार कर दिया। बात ये कि अभी तक ये जानकारी थी कि एनसीटी में आपकी बात कैसे पूछी जाएगी। अभी हम सब विजय किरण आनंद जो डीजी है उत्तर प्रदेश के, उनसे मिलकर के मुलाकात करके आए, वो कल मीटिंग में जाने वाले, हमारी उनसे बातचीत हुई और इस चीज का आश्वासन मिला कि वो वहां पर बात रखेंगे, पहली चीज। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया जाए? सुनिए, मैं अपनी चीज पहले बात करूँ। उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके हम भी एक डिग्री धारकों को उनके सामने भी बात रखने का एक अवसर है, और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं, सरकार से भी मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग ये चाहते हैं बहुत शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहेंगे, ये जान लीजिएगा। उत्पात मचाने में नहीं आए हो, अगर राजनीति का शिकार मत होइए, क्योंकि राजनीति का शिकार हो जाओगे, इतनी धूप में 400 किलोमीटर से आप सबके लिए आया हूँ, तो आप सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप लोग भी कोने कोने से आए हैं। तो मांग सीधी सी है, पहले तो डीजी सर से मुलाकात होगी, अब केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार के जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मुलाकात करके एक छोटा सा समय दिलवा करके उनके सामने बात रख दी जाए, ताकि केंद्र सरकार तक बात पहुंच जाए, यही हमारा आखिरी डिसीजन है। तो कितने लोग साथ हैं और कितने लोग यहाँ पर बैठे, प्रशासन का पूरा सहयोग करिए, 100%। तुम आवाज़ तो